मैं आप अपने एक्सपर्ट से लेटेस्ट जो बेसिस हैं उनकी थोड़ी सी टेक्निक्स पूछना चाहूंगी. सबा, आजकल जो बेस चल रही है, बिल्कुल, वो क्या क्या टेक्निक इन है, कौन सी वाली बेसिस चल रही है? बेसिस तो डिफरेंट डिफरेंट जाहिर है, ऑब्वियसली अभी भी एक वो है कि तरह तरह की चीजें अब तो मार्केट में इतनी हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ खुद लिक्विड बेस. अच्छा, ठीक है, ठीक है. क्योंकि अच्छा, अब डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कैसी है, किस पे क्या चलेगा. लिक्विड के अंदर भी एलिमिनेटर भी आता है. अच्छा. जो कि सिर्फ एक शीन देती है आपको, ऐसी बेस भी होती है. लिक्विड के अंदर फुल कवरेज भी है, हर तरह की चीज़ें हैं, लेकिन चल आजकल लिक्विड ही रहे. ओके. अब वो जो था, वो जो केक और ये वो पैन केक बनाना धमाका, वो सब खत्म हो गया. वो लोग ज़्यादा कम बेस लगती है, कम लगती है, नेचुरल लगती है, अच्छी लगती है और फ्लॉलेस लगता है आपका फेस. जब आप एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि जाहिर है जब दुल्हन बैठी हुई होती है या आप शादी अटेंड करने गए होते हैं, तो आप एक दूसरे को नेकेड आई से देखते हैं. अच्छा, होता क्या है नेदा, कि होना भी चाहिए और केकी भी नहीं दिखना चाहिए. ओके. कवरेज भी होनी चाहिए, कवरेज भी होनी चाहिए, केकी भी. ये नहीं है कि आपके पिगमेंट्स हैं या आपकी पैची स्किन है तो वो दिख रही है. ओके. होना लगी होनी चाहिए, लेकिन फाउंडेशन लगाने की ब्यूटी यही है कि आपने कैसे लगाया है, कितना लगाया है, यही यही चीज है. ओके जी. नादिया, आप क्या कहती हैं कि बेस क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए बेस? आप कौन सी बेस खुद प्रेफर करती हैं एज अ ब्यूटीशियन? मैं लिक्विड प्रेफर करती हूँ, बिकॉज आपकी स्किन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है. और मैं तो खैर अपनी ही ब्रांड का ही इस्तेमाल करती हूँ, ब्लिंग का. और मेरे बहुत हाई पिगमेंट बेस है और फाउंडेशंस हैं. सो यू नो, जो फाउंडेशन है वो आपकी प्रेफरेंस भी होती है, ठीक है. तो कोई गलत या सही नहीं है मेरे नज़दीक. आप स्टिक पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लिक्विड बेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो क्रीम बेस्ड होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन ऑफकोर्स जो भी बेस आप इस्तेमाल करें उसको तरीक़ेकार आप सही फॉलो करें. स्टिक्स जो होती हैं वो आपकी स्किन को बहुत ड्राई कर देती हैं, ठीक है. तो आपको अच्छे तरीके से पहले फेस को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये है कि वो उसके अंदर फ़ौरन से लाइंस, क्रैक्स, ऊपर से आप इतना थोप के पाउडर लगा देते हैं तो बहुत आसानी से लाइंस, क्रैक्स वगैरह पड़ जाते हैं. ओके. तो आपको हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप लिक्विड फाउंडेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप भले हल्का सा मॉइस्चराइज करें, थोड़ा बहुत प्राइम करें, लेकिन वो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, ठीक है ना? ठीक है. सो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं. एंड ऑफ कोर्स के आपको जो भी आप करें, आपकी स्किन फ्लॉलेस लगनी चाहिए. आपको जो भी आपके दाग धब्बे हैं उनको आप सही तरीके से हटाएं. अगर अंडर आईज यू नो डार्क सर्कल्स हैं, आपको कलर करेक्शन करने की ज़रूरत है. लेकिन जब इस किस्म की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है ना, कलर करेक्शन, तो लोग हक्का बक्का रह जाते हैं कि ये कलर करेक्शन क्या है. जब उनको बताया जाता है कि जी आपको पिगमेंट को, जो स्किन की पिगमेंट है उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो वो ऐसे होते हैं कि न्यूट्रलाइज क्या मतलब न्यूट्रलाइज, यू नो. तो ये बड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं मेकअप में, जो अब क्योंकि इतना कुछ सिखाया जा रहा है हर तरफ, आई वुड से लाइक यू नो, एक कंटेस्टेंट ने कहा कि जी वो उन्होंने यूट्यूब से सीखा है जी. तो इतना कुछ अब इंफॉर्मेशन है कि कोई वजह नहीं होनी चाहिए है कि यू नो कि कोई कहे कि जी हमें नहीं पता ये क्या है. हाँ, ठीक है, ये चीज़ गलत है. ठीक है, तो हम चलते हैं शोएब की तरफ. मैं एक चीज़ पूछना भूल गई, इन्होंने तो कहा ये तो अपनी ब्रांड यूज करती हैं बेस की. अगर मैं सबा से पूछूंगी, सबा अपने लिए किस बेस को प्रेफर कर रही हैं आजकल, तो वो कौन सी ब्रांड? मैं नार्स प्रेफर कर रही हूं. नार्स आपको पसंद है? वो दुल्हनों वगैरह के लिए बहुत अच्छी, बहुत अच्छी आती है. कैट वॉन डी बहुत अच्छी आती है. जिसको ज्यादा कवरेज चाहिए उसके लिए कैट वॉन डी बहुत अच्छी है. मुझे लगता है कि जैसे सबा जी ने कहा कि डिपेंड्स ऑन स्किन, तो स्किन के ऊपर मुझे लगता है कि आपको स्किन बताती है कि आपने अब क्या यूज करना है. तो आप इस तरीके से कोई एक स्पेसिफिक चीज नहीं यूज कर सकते कि इस पे लिक्विड बेस लगानी है,
इस पर आप टीवी स्टिक्स यूज़ करेंगे. लेकिन जैसे मैंने लास्ट टाइम शो में आपको बताया था कि जैसे मुझे आई रियली लव लशियस की फाउंडेशन स्टिक, उसका एक टेक्सचर बहुत क्रीमी है, ब्लेंडेबल है और बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होती है. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूँ कि अगर आप ड्राई स्किन पर लगाएंगे तो कौन सी बेस लगाएंगे? ड्राई स्किन के लिए पहले, सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप इज कि मॉइस्चराइजिंग. ठीक है, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज कर भी लेते हैं ना, तो यू कैन पुट एनी काइंड ऑफ वेस्ट, उसका कोई इशू नहीं रहता. फिर भी आप प्रेफर कौन सी करेंगे ड्राई स्किन? मैं ड्राई स्किन के लिए जॉर्जियो अरमानी रेफर करूंगा. ठीक है, कि उस बेस में थोड़ी सी ऐसी लिक्विडी पावर है कि वो हल्की सी स्किन को मॉइस्चराइज रखती ग्लो है, भी देती है, ग्लो भी देती. अच्छा, है. अगर मैं आपसे पूछूं कि बहुत ऑयली स्किन है, उसके लिए आप क्या प्रेफर करेंगे? बहुत ऑयली, ऑयल आ जाता है बस जैसे ही. मुझे उसके लिए नार्स की बेसिस, ऑयली स्किन वालों के लिए. हाँ. मैं पर्सनली नार्स की सीरीज है उनकी, मैटफैक्ट में उनकी वो रिपीट करें, नार्स की मैट फाउंडेशन, मैट फाउंडेशन उनकी उनकी कवरेज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, है. और अगर बहुत ऑयली स्किन है तो आप उसमें आराम से वो कर सकते हैं. ठीक है, और जो कॉम्बिनेशन स्किन है, जो पैची होती है थोड़ी सी कि कहीं से ऑयली है, कहीं से ड्राई है, अगर आप एग्जैक्टली दिस इज द मोस्ट लाइक कॉम्प्लिकेटेड स्किन, उसमें बेसिकली ये कि अगर आप स्किन को प्रिपेयर अच्छी तरीके से कर लेते हैं ना, तो उसके ऊपर आप कोई भी बेस यूज कर लेते हैं उस पे. मैं इसीलिए और आप क्या कैसे समझते हैं कि प्रिपेयर करें स्किन को? प्रिपेयर ये कि आप पहले स्किन को अच्छी तरीके से अप्रोक्सीमेटली, मुझे लगता है कि आपके नोज एरिया पे, आपके चिन पे, आपके स्पेशली नोज की इस जगह पे और फोरहेड के ऊपर ड्राइनेस ज्यादा होती है. ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हल्की सी ड्राइनेस कम होती है, लेकिन बहुत लोगों को यहाँ पे भी बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, तो उनको अच्छे तरीके से थोड़ा सा मसाज कर दें आप. कोई भी, जैसे मैं क्लिनिक का लोशन यूज करता हूँ, इट्स लाइक रैंडम लोशन. यस, मैं भी वही करती हूँ. एग्जैक्टली, बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है कि आप को उसको लगाने के बाद कोई प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ती, किसी चीज़ की नहीं जरूरत पड़ती. और उसके बाद अगर आप कोई भी बेस जॉर्जियो अरमानी यूज कर लें, नार्स कर लें, तो इट्स अमेजिंग. ओके, इट्स गिविंग ब्यूटीफुल रिजल्ट्स. सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास.